स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहां पर एक नई वैकेंसी आई है और यहां पर साथ ही एक नहीं दो वैकेंसी है। जी हाँ, दो वैकेंसी है जो RPF से। तो एक तो सबसे पहले ये RPF सब इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। इसका किस तरह से अप्लाई करना है वो हम जानेंगे। और इसके लिए जो पोस्ट निकली है वो कुल 452 पोस्ट निकली है। अब इसका नेम पोस्ट देख लो, RPF जो सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 2024 में। पोस्ट डेट जो है वो आज ही आई है 2 तारीख को। टोटल वैकेंसी 452 सीटें हैं। अब इसके लिए आप जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है इसके लिए आप बनेंगे। और आगे का क्या, इसका अप्लाई नोटिफिकेशन क्या का क्राइटेरिया रहने वाला है सब जानते हैं। तो हम अप्लीकेशन फ़ी किस तरह से करना है, सबसे पहले अप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानते हैं क्या लगेगा। तो अगर आप ऑल कैंडिडेट हैं, जो आप अगर SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर ये सब छोड़ के या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास इसी छोड़ के अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको कुल 500 रुपये देने होंगे। तो ये अप्लीकेशन फ़ी है। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर या फिर EBC क्यों ना हो, इसके लिए आपको 250 रुपये ही देने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। स्टार्ट जो अप्लीकेशन इसका रहेगा वो 15 तारीख से होगा, ये अप्रैल में जाके स्टार्ट होगा अप्लाई। और लास्ट डेट भी जो है वो 14 तारीख है और ये 5वें महीने में जाके ख़त्म होगा। ठीक है, यानी 1 महीने का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है दोस्तों, क्वालिफिकेशन कोई भी कैंडिडेट शुड बी पॉसिस एनी डिग्री, कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब डिग्री क्या रहेगा वो आगे जान लेंगे। तो वैकेंसी डिटेल जो रहने वाला है आपका, पोस्ट नेम सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इसका है। टोटल वैकेंसी जो है आपका 452 है। एज लिमिट जो है आपका 20 से 28 ईयर होना चाहिए। ठीक है, 20 से 28 साल है। और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन हो सकता है कोई SC ST से हो, ये सब के लिए आपके हो सकता है। चलिए इम्पॉर्टेंट लिंक देख लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट लिंक का क्या मतलब है कि आपका जो अप्लाई करने का है वो अप्लाई करने का अभी नहीं आया है। अब अप्लाई करने का 15 तारीख को आएगा और लास्ट जो अप्लाई आपको 15 तारीख को ही देखा जाएगा वो आगे का महीना। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये एक आपका टोटल की बातें हैं जो हमने जाना था, किसके बारे में, RPF के बारे में, और इसके पूरे डिटेल जान लिए थे। तो दोस्तों एक और वैकेंसी का नाम है RPF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट। अब ये 2024 अप्लाई करेंगे। इसका जो पोस्ट टोटल देख लो आप कितना है, कुल जो है 4208 पोस्ट है। अब इसके लिए RPF जो आपका रेलवे फोर्स प्रोटेक्शन के लिए है। अब तो पोस्ट डेट जो है इसका 2 तारीख को है, आज ही इसका डेट आया है। और टोटल वैकेंसीज में 4208 है। अब आइए इसका आगे का टोटल क्या अप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। अगर आप कोई कैटेगरी से हो, SC ST एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर बैकवर्ड क्लास ये सब छोड़ के अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको रिजर्व कैटेगरी ना होकर अनरिजर्व कैटेगरी से, तो इसके लिए आपको 500 रुपये दे। और अगर आप ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर, तो ये सब के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। ऑनलाइन किस तरह से आपको करना है, आपको पैसा कितना किससे पे करना है, थ्रू ऑनलाइन। इम्पॉर्टेंट डेट अप्लाई करने के लिए जो इसका है 15 तारीख से स्टार्ट होगा वही डेट है और लास्ट डेट आपका 14 तारीख तक है, 5वां महीने में जगह। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, आपके पास कोई एनी डिग्री होना चाहिए, जैसे आपका 10th पास होना चाहिए, 10th पास पर ही आप। अब वैकेंसी डिटेल जान लेते हैं। अब कांस्टेबल आपका कांस्टेबल इसका पोस्ट नेम है, 4208 सीटें। एज लिमिट जो है वो 28 साल तक 18 से, और हो सकता है ये कोई आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जो आपका रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है, अब अप्लीकेशन जो अप्लाई करने के लिए जल्दी आएगा और इस किस तरह से अप्लाई करना है वो भी बताया जाएगा। तो ये टोटल का अभी अपडेट था जो आपको देना था 2 वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।